हेलो एवरीबॉडी, मैं धर्मेंद्र कुमार, आपके अपने चैनल जीके देखो बाई डीके में आप सभी का स्वागत है। और आज आपके सामने लेकर आए हैं आयन प्रत्यय से बनने वाले शब्द। तो आज हम आयन प्रत्यय से बनने वाले शब्दों के बारे में बात करेंगे और समझाएंगे कि आयन प्रत्यय जुड़ने से क्या आदि वृद्धि होती है और क्या क्या परिवर्तन होता है। देखिए आज इस वीडियो में समझाते हैं आपको। आज का हमारा टॉपिक है आयन प्रत्यय से बने शब्द। तो देखिए सबसे पहले हम शब्द लेते हैं कत्ते। कत्ते शब्द को लेते हैं हम पहले कत्ते। ये हमारा कत्ते शब्द है और इसमें जोड़ते हैं हम आयन प्रत्यय। ठीक है, इसमें हम जोड़ते हैं आयन प्रत्यय। तो देखिए कैसे परिवर्तन होने वाला है। का हम करेंगे, कत्ते का करेंगे पहले हम वर्ण विच्छेद। तो यहाँ हमें आ दिखाई दे रहा है तो हमारा आधा ही है, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। और यहाँ हमारा अ आ जाएगा और ये हो जाएगा हमारा आयन प्रत्यय। ठीक है, परिवर्तन यहाँ होगा और यहाँ ये हट जाएगा और इसका परिवर्तन होगा आ में। तो कर देते हैं इसका परिवर्तन आ में, ये हो गया हमारा आ। तो हलंत है, यह हलंत है, इसके बाद हमारा आ जाएगा आयन प्रत्यय ज्यों का त्यों। ये इसको पूरा करेगा और ये इसको पूरा करेगा और शब्द क्या बन जाएगा, कात्यायन। ये शब्द निकल कर आया कात्यायन। फिर देखिए बदरी, बदरी में हम जोड़ेंगे आयन प्रत्यय। ठीक, तो इसका कर लेंगे वर्ण विच्छेद। इसके बाद हमें क्या मिल रहा है, आ। ठीक है, आ मिल रहा है इसके बाद हमें, तो के बाद में हमें अ मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, अ। और यहाँ र के बाद हमें छोट पड़ी ई दिखाई दे रही है और ये हमारा हो गया आयन प्रत्यय। परिवर्तन यहाँ होगा और यहाँ होगा, आ हो जाएगा, आ का तो आ हो जाएगा। ब के बाद हमें क्या मिलेगा, आ। द के बाद ज्यों का त्यों रहने वाला है अ। र के बाद ये हट जाएगा यहाँ से और ये प्रत्यय ज्यों का त्यों आ जाएगा। ये इसको परा करेगा, ये इसको और ये इसको। बाद, बाद रायन, बाद रायन। बदरी कहते हैं बेर के झाड़ी को, बेर की झाड़ी को, बाद रायन। ठीक है, फिर देखिए अगला वत्स, वत्स। वत्स में पहले हम यह प्रत्यय जोड़ेंगे। ठीक है, और फिर हम जोड़ेंगे आयन प्रत्यय। ठीक, तो जब वत्स में आयन जोड़ेंगे तो ये होएगा हमारा वात्सय, वात्सय हो जाएगा। ठीक है, और फिर जोड़ेंगे इसमें हम आयन प्रत्यय। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वात्सयायन, वात्सयायन हो जाएगा। ये सब निकल कर आएगा बिल्कुल सही, ये सब बिल्कुल सही निकल कर आ जाएगा। क्योंकि वत्स में पहले हम यह प्रत्यय जोड़ेंगे फिर आयन प्रत्यय जोड़ेंगे, तो यह प्रत्यय जोड़ने से आदि वृद्धि होगी तो वात्सय हो जाएगा और फिर आयन प्रत्यय जोड़ेंगे तो वात्सयन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए जब यह प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा सांस्कृत्य, ये हो जाएगा सांस्कृत्य। और फिर जोड़ेंगे इसमें हम आयन प्रत्यय। ठीक है, आयन प्रत्यय जोड़ेंगे तो देखिए कितना बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। ये आया हलंत हो जाएगा, फिर जोड़ेंगे हम आयन प्रत्यय। क्यों, जो हलंत क्या होगा यहाँ, यह क्योंकि यहाँ से आ, फिर ऐसा कर लीजिए, इसका वर्ण विच्छेद कर लीजिए, ये हो जाएगा। फिर इसमें जोड़ेंगे हम आयन प्रत्यय तो ये अ हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो शब्द हमारा क्या बन जाएगा, सांस्कृत्यायन। ये शब्द हमारा निकल कर आ जाएगा सांस्कृत्यायन, ये शब्द निकल कर हमारा आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए चंद्र। चंद्र में हम जोड़ेंगे आयन प्रत्यय। ठीक, चंद्र में हम क्या जोड़ेंगे, आयन प्रत्यय। तो देखिए क्या होगा, पहले हम चांद चंद्र का कर लेते हैं वर्ण विच्छेद। ठीक है, न हलंत है, द, द हलंत है और र के बाद हमें क्या मिलेगा, अ। र के बाद हमें क्या मिलेगा, अ। ठीक है, और ये हमारा आयन प्रत्यय ज्यों का त्यों। ठीक है, परिवर्तन होगा यहाँ और यहाँ, आय का हो जाएगा आ, त
तो च के बाद हमें क्या मिलेगा आ, ना हलंत है, द के द भी हलंत है, र के बाद क्या हो जाएगा ज्यों का तो हमारा प्रत्यय आ जाएगा, ठीक है, प्रत्यय हमारा ज्यों का तो आ जाएगा, और इस र के कारण जो है न जो है वो अण में परिवर्तित हो जाएगा, तो शब्द हमारा क्या बन जाएगा चांद रायन, चांद रायन, चांद रायन, ये शब्द हमारा बन जाएगा चांद रायन, क्योंकि इस र के कारण जो है न जो है वो अण में परिवर्तित हो जाता है, चांद रायन ये शब्द निकल कर आ जाएगा। फिर देखिए दक्षिण, दक्षिण में अगर जोड़ते हैं हम आयन प्रत्यय, यहां जो है र के कारण न जो है वो अण में परिवर्तित हो जाता है, भले हमारा उपसर्ग हो या हमारा प्रत्यय हो, अगर र हमारा मूल शब्द में है, र हमारा मूल शब्द में है तो हमारा न का अण हो जाएगा। ऐसे हमारा उपसर्ग में अगर हमारा र है तो जो जुड़ने वाला हमारा मूल शब्द है उसका न का अण हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया अभी देखे हाँ, मान ले हम प्र है, प्र उपसर्ग में हम मान जोड़ रहे हैं, प्र उपसर्ग में हम सॉरी मान शब्द में प्र उपसर्ग जोड़ रहे हैं, तो देखिए प्र में र है, प में जो है र है, तो ये मान शब्द का जो न है ये अण हो जाएगा, ये शब्द क्या बन जाएगा प्रमाण, ऐसे बन जाएगा, क्योंकि जब यहाँ उपसर्ग में र है तो न का अण बन जाता है। ऐसे हमारा एक शब्द है वीर जमा अंगना, ये शब्द है हमारा, तो यहाँ देखिए वीर जो है एक मूल शब्द है, ठीक है, और इसमें हम अंगना जोड़ रहे हैं, या फिर ये कह लीजिए कि ये दीर्घ शब्द वाला है, तो क्या आ जाएगा वीरांगना, वीरांगना हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है अगर हमारे इधर वाले शब्द में जो है उपसर्ग में र हो तो न हो जाता है मूल शब्द का, यहाँ वीर में जो है र था तो न का आना हो गया, वीरांगना हो गया। ऐसी महिला जो वीरों की तरह काम करती है वीरांगना बोलते हैं उसको, वीरांगना, ठीक है, ऐसे ही है ये। ऐसे हमारा ये चंद्रायन, चंद्र में आयन प्रत्यय जोड़ा तो न का आना हो गया चांद्रायन। अब देखिए यहाँ दक्षिण में ऐसा नहीं होगा, दक्षिण में ऐसा नहीं होगा, देखिए यहाँ दा हो जाएगा इसका, ठीक है, दक्षिणा, दक्षिणा ऐसा हो जाए, दक्षिणायन, दक्षिणायन हो जाएगा, ठीक है, यहाँ ना का ना ही रहा, क्यों, यहाँ कोई र नहीं था हमारे मूल शब्द में। फिर देखिए आप दंडी, दंडी में हम जोड़ेंगे आयन प्रत्यय, ठीक, तो आप देखिए पहले दंडी में जो हम जोड़ लेते हैं य प्रत्यय, ठीक, दंडी में हम जोड़ लेते हैं पहले य प्रत्यय, य से देखिए क्या होगा, दंडी में य जोड़ेंगे तो जाएगा दंडे, क्या हो जाएगा दंडे, द हमारा आधा हो जाएगा। फिर हम जोड़ेंगे इसमें आयन प्रत्यय, ध्यान देने वाली बात है, इसमें जोड़ेंगे तो य हमारा हलंत हो जाएगा, देखिए ऐसे हो जाएगा कुछ ये, और इसमें जोड़ेंगे हम आयन प्रत्यय, ठीक है, तो दांडायन हो जाएगा, दांडायन ये शब्द हो जाएगा दांडायन। ऐसे कुछ हमारा आयन प्रत्यय जो है वो काम करता है, आयन प्रत्यय जो है आसानी से आप इसको बनाकर देख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।